दोस्तों हमारे पास अभी भी वक्त है, तो दोस्तों मेरे साथ आप पेन और पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर मैं जो ड्राइंग्स बनाने वाला हूँ, बेसिक से आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, अभी हमारे पास जितना भी वक्त है, इसमें मैं मेमोरी ड्राइंग और पोर्ट्रेट फिगर्स, ये सारी चीज़ें मैं लेने वाला हूँ जो हमें कंपलसरी आती है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेंगे और आप इससे स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों आपने पेंसिल और पेपर ये लेकर बैठना है। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर आप बना सकते हो। अगर आपको आपके ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर ये बातें आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो मैंने फिगर निकाली है, इसके प्रोपोर्शन आप अगर देखेंगे तो जितना हेड है वहाँ से 7 हेड तक मैंने लिया, 7 1/2। तो दोस्तों ये फिगर इस तरह करनी है। यहाँ पर आप फिर से इसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट फिगर हम निकालेंगे उसी टेक्निक से, लेकिन यहाँ पर मैं अभी जो मेजरमेंट है वो नहीं लेने वाला हूँ। तो फिगर हमें जो एक्शन दिखाने हैं वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो दोस्तों 2 हेड का मैंने यहाँ डिस्टेंस लिया, और जो लेग है इसमें भी 2 2 हेड के डिस्टेंस में लेकर, ये नी तक का और उसके नीचे फुट, यहाँ तक ये प्रोपोर्शन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं हाथ बना रहा हूँ, तो हाथ उसने अपने पैरों के ऊपर रखा है, ऐसे में एक्शन, और दूसरा हाथ जो है वो सिंपल सा नीचे। तो दोस्तों पहले स्टिक फिगर अच्छे से आनी चाहिए। दोस्तों ये बात आपको बहुत पहले भी मैंने बताई है, फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप 50 60 100 फिगर बनाते हो, 1 2 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा आपको, 1 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में, और ये फिगर बनाने के लिए। और इसके ऊपर फिर जो क्लॉथ बनते हैं वो किस तरह आते हैं वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों एक्शन सबसे मेन है हमारे मेमोरी ड्राइंग में। खाली खड़े हैं ऐसे नहीं दिखाने हैं, उनके एक्शन दिखने चाहिए। इसलिए आपको स्टिक फिगर अगर उसी टाइप में आप बनाओगे तो काफ़ी अच्छे से आपका ड्राइंग इम्प्रूव हो सकता है, तो और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। फिगर कितने निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, ये मेमोरी ड्राइंग में मैं बताने वाला ही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 जो खड़े फिगर है वो निकाले अलग अलग एक्शन में। यहाँ पर अब जो फिगर निकालने वाला हूँ ये सिटिंग फिगर है। तो सिटिंग फिगर मतलब बैठी हुई फिगर के प्रोपोर्शंस कैसे आते हैं, तो ये पैर जो है ऊपर का नी तक का पार्ट छोटा दिखेगा, नीचे का जो है वो जो हमारा रेगुलर रहता है उसी टाइप में ये दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते किस तरह मैं ये स्टिक फिगर बना रहा हूँ। तो स्टिक फिगर की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपका ड्राइंग फास्ट होगा। और टाइमिंग अगर देखेंगे तो 45 मिनट्स के अंदर या 50 मिनट्स के अंदर आपका ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए विद बैकग्राउंड। तो ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो मैं फिगर बनाने वाला हूँ। ये फिगर जो बना रहा हूँ इसमें मैं क्लॉथ बना के दिखाऊंगा कि किस तरह ये क्लॉथ आते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर एक अलग एक्शन में बैठी हुई फिगर, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि फिगर करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट आपको बताने वाला हूँ, जो जस्ट आप रेगुलरली कर सकते हो। कोई भी पेपर के ऊपर स्ट्रेट लाइन लो, वर्टिकल लो, हॉरिजॉन्टल लो, स्लैंटेड लो, उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे तो ओवल, सर्कल, ये प्रैक्टिस आपकी आपने जब भी जहाँ पे बैठे वहाँ पर करनी चाहिए। तो फेस का प्रोपोर्शन कैसा आता है, तो एक सर्कल के अंदर 2 मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ली, उसी के नीचे एक लाइन थोड़ी सी नीचे ले ली फेस के लिए, यहाँ आईब्रो, उसके नीचे आइज, और जो सर्कल का पार्ट है वहाँ तक नोज आएगा, उसके सेंटर में लिप्स आएगी। तो ये हमें फेस, फ्रंट फेस इस तरह बन जाता है। बिल्कुल सिंपल टेक्निक में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीका यहाँ पर मैंने बताया। थोड़ा सा ऊपर हेयर आएंगे। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहो तो ज़रूर आपको आएगा, ये कोई हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ऐसा बोला जाता है। तो अभी आपके पास वक्त है, आप अगर 1.5 घंटा देते हो डेली का तो ड्राइंग के लिए, तो आप अच्छे से ड्राइंग कर पाओगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस
जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने बना के दिखाया, जो रह गए वो भी बना के दिखाने वाला हूँ। तो ये अभी सभी मेरे ड्राइंग्स की वीडियो आप देख सकते हो, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा और ये सारी चीज़ें आप देख सकेंगे। बीच में दोस्तों मैं वीडियो डाल नहीं पाया, थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम थे इसके वजह से, लेकिन अभी वो सॉल्व हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू वीडियोस डालने वाला हूँ। ये पहले वीडियो में मैंने बता ही दिया है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिगर अगर साइड पोज है तो वो किस तरह दिखती है, साइड पोज में एंगल कैसा आता है, ये भी यहाँ पर दिखा है। अभी मैं ये क्लॉथ कैसे, शर्ट या पैंट किस तरह आते वो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उसके फोल्ड कैसे आते, ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, एक्शन दिखने चाहिए। फिर से यहाँ पर दो हेड का मैंने प्रोपोर्शन लिया है, बीच का यहाँ पर भी दो दो हेड। तो दोस्तों ये बार बार अभी मैं बोलूँगा नहीं, ये याद रखना है। साथ में आपने पेंसिल और बुक लेके बैठे होंगे, ड्राइंग बुक, तो मेरे साथ अगर निकालेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी। तो दोस्तों जो हेड निकाला है वहाँ से तो 7.5 तक मैंने ये प्रोपोर्शन ले लिया है, और हर जो फोल्ड है वहाँ पर आप देखेंगे ये हाथों का है तो दो हेड, नीचे है तो दो हेड, इसी तरह ये आपको काउंट करना है। थोड़ा बहुत इधर उधर एज ए प्रोपोर्शन, कोई कोई फिगर मोटी रहती है, कोई पतली रहती है, उस हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने शर्ट किस तरह बनाते ये मैंने यहाँ दिखाया है, तो ये शर्ट की बाही जो बोलते हैं ये यहाँ पर मैंने बना ली है। ये फोल्ड कैसे आते हैं वो भी देखो, ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्लॉथ को। तो यहाँ पर स्लैंटेड आएगी शोल्डर, और यहाँ मैं टी शर्ट के जैसा हाफ सर्कल बना दिया है। पैंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर वी करना है, और वी बनाने के बाद जो पैंट का बाहरी पार्ट है, जहाँ नी का अंदर का पार्ट आता है वहाँ फोल्ड आएगा और नीचे फोल्ड आएगा। इतने फोल्ड अगर बनाए तो भी हमें चलेगा, क्योंकि हमें एक्शन इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितने फोल्ड बनाए कैसे बनाए, वो ये ज़रूरी नहीं है। तो जनरली मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहता हूँ कि फूड अगर बनाएंगे तो शूज़ ज़रूर बनाना, ताकि आसान हो जाएगा। यहाँ पर फेस के लिए मैंने फिर से क्रॉस लिया है, आईब्रो जो क्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर आईब्रो आएंगे, उसके नीचे आईज आएगा, उसके सेंटर में नोज आएगा, और नोज और चिन का जो पार्ट है उसके सेंटर में लिप्स आएंगे। तो दोस्तों आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वर्क अच्छा होगा। कलरिंग कैसे करना है वो भी मैंने इसके पहले जो वीडियोज है उसमें बताया है, तो यहाँ पर आप ये बातें सीख लेंगे कि फिगर कैसे करनी है, फिगर कितनी बड़ी बनानी है। तो यहाँ पर मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, A4 साइज़ का ही पेपर है। A4 साइज़ के पेपर के ऊपर यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर की बॉर्डर ली है, 1.5 या तो 2 सेंटीमीटर की बॉर्डर लेनी, उसके अंदर ही आपको ये फिगर्स करने। मिनिमम 2 फिगर तो भी बड़े आने चाहिए, बाकी फिगर्स आपके छोटे छोटे रहेंगे, जैसे पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से फिगर्स बनाने। बैकग्राउंड जो भी रहेगा, जो मेमोरी ड्राइंग का सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से बैकग्राउंड भी करना है। तो यहाँ एक साइड पोज में बना के दिखा रहा हूँ, ज़्यादा साइड तो नहीं है, थोड़ी साइड पोज आपको दिखेगी। तो ये एक लेग फ्रंट वाला जो यहाँ पर बना है, जो पीठ का पार्ट है वो भी बना रहा हूँ। यहाँ कॉलर बना ली, तो देखो ये थोड़ा सा झुका हुआ है, और पीछे का जो लेग है वो स्ट्रेट मैंने लिया है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये शर्ट बनाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे का जो लेग है उसकी पैंट में बना रहा हूँ, फ्रंट वाला जो है वहाँ पर फोल्ड आएगा नी के पास, और ये इस तरह आपको पैंट दिखेगी। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर मैं कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी पेंसिल, या तो फिर आपकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई तो दोस्तों पेन से बना कर देखना है, बॉल पेन जो रहता है उसी से आप बना सकते हो। अगर आप 50 फिगर स्टिक फिगर बनाते हो या तो इस टाइप के फिगर्स करते हो, तो 50 फिगर बनाने के बाद आपको डायरेक्ट बॉल पेन से, मतलब कि इरेजर आपको यूज़ नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। इरेजर, बिना इरेजर का मैं यहाँ पर कोई भी इरेजर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक बार आपके दिमाग में ये प्रोपोर्शन
अच्छे से बैठ गए तो बहुत ही बढ़िया और स्पीडीली ड्राइंग होता है। देखो दोस्तों, अगर मेमोरी ड्राइंग करनी है, जो भी मेमोरी ड्राइंग आती है, वो 15 मिनट्स में आपका पूरा स्केच विद बैकग्राउंड स्केच होना ही चाहिए, तो ही आपका 30 मिनट्स या 35 मिनट्स में आप कलरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये बात आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है, ये डेली आप अगर 10-15 स्केचेस करेंगे अलग अलग एक्शन में, सोच लेना या तो देख लेना घर में, कोई हमारे घर में हमारी मम्मी पापा और भी दादी दादाजी जो भी रहते हैं, उनके जो बैठे रहते हैं उनके एक्शन देख लेना कि किस तरह बैठे हैं, किस तरह हाथ रखा है, किस तरह पैर है, बस उसी को हमें मेमोरी से ड्रॉ करना है। पहले देख लेना और फिर मेमोरी से ड्रॉ करना, तो ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आदमी एक बैठा हुआ है और नीचे बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि फिगर कैसे आएगी। उसने हाथ साइड में रख दिया है और एक हाथ अपने पैरों के ऊपर रखा है, तो ये फिगर कैसे आएगी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर एक्शंस हमें हम दिखाएंगे हमारे मेमोरी ड्राइंग में, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कलरिंग भी मैं बताऊंगा, कलर किस तरह करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर से मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि एक जो क्वेश्चन है, मेमोरी ड्राइंग रहो या पोर्ट्रेट रहो या कोई भी क्वेश्चन रहो, वो आपका स्केचिंग जो है 15 मिनट में होना चाहिए, और पूरा जो ड्राइंग है, पूरे ड्राइंग का स्केच जो कलरिंग वगैरह जो है, वो सारा आपका 45 या 50 मिनट्स के अंदर होना चाहिए, तो ही आप बाकी सब जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, मेमोरी या तो ड्राइंग, पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ें जो है, इसके लिए स्पीड बनाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस इतना ही मैं यहाँ बोलूँगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना है आपके दोस्तों में, और मेरे ये वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा, मैं भी और ज़्यादा वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों प्लीज़, यहाँ पर ये बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो में अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ बनाकर दिखाना है, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।